जिंकलेला आहे आणि आता ज्यांची 2/3 मेजॉरिटी आहे त्यांना मला वाटतं की सिम्बॉल मिळालेला आहे, तर त्यामुळे ठीक आहे. आता पवार साहेबांना तुतारी मिळालेली आहे तर त्यांनी त्या सिम्बॉलवर लढावं. आता चिन्ह जे आहे ते चिन्ह जसं घड्याळ चिन्ह अनेक वर्षांपासून त्यांचं होतं, म्हणजे 1998 मध्ये मला वाटतं राष्ट्रवादी काँग्रेस स्थापना झाली होती आणि त्यावेळेपासून त्यांचं घड्याळ सिम्बॉल होतं. आता अचानक तुतारी मिळाल्यामुळं लोकांना ती तुतारी किती आवडेल मला माहित नाही आहे, त्यामुळं त्यांना त्याचा काही फारसा फायदा होणार नाही. मला असं वाटतं की मनोज जरांगे पाटील यांच्याबद्दल मला आदर आहे. त्यांनी अत्यंत संयमाने अत्यंत ताकदीनं त्यांनी आपलं आंदोलन उभं केलं. उपोषणाच्या माध्यमातून त्यांनी मोठी मुव्हमेंट उभी केली, मराठा समाजाला खडबडून जागं करण्याचा प्रयत्न केला, सरकारला निर्णय घेण्यासाठी मजबूर म्हणा किंवा त्यांना सरकारला त्यांनी निर्णय घ्यायला लावला आणि मग आता निर्णय घेतल्यानंतर लगेच अंमलबजावणी करा, लगेच हे करा ते करा अशा पद्धतीनं भूमिका घेणं योग्य नाही आहे. मराठा समाजाला स्वतंत्रपणे 10% आरक्षण देण्याचा निर्णय झालेला आहे. त्याचबरोबर कुणबी ज्यांचे दाखले आहेत त्यांच्या सगळ्या सोयऱ्यांनाही आम्ही ते देणार ही भूमिका सरकारने घेतलेली असल्यामुळं आता मला वाटतं पुन्हा उपोषणाचं आणि आंदोलनाची काही आवश्यकता अजिबात नाही आहे. त्यामुळं मला वाटतं जरांगे पाटील यांना माझं नम्र विनंती आहे की त्यांनी आता आंदोलन करू नये आणि सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला त्यांनी पाठिंबा दिला पाहिजे. सरकार त्यांच्या पाठीशी आहे. मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस आणि अजितदादा पवार हे ऍक्टिव्हपणे काम करतायत आणि त्यामुळं सरकारला त्यांनी पाठिंबा दिला पाहिजे. काही टेक्निकल अडचणी लक्षामध्ये घेतल्या पाहिजे आणि अलीकडे त्यांच्याच विरोधामध्ये त्यांच्यासोबत असणारे अनेक लोक आता त्यांच्या विरोधात बोलू लागलेले आहेत. त्यामुळं जास्त वेळ त्यांनी सारखं आंदोलनं घेऊन आम्ही आंदोलनं केलेली आहेत. आम्ही नामांतरासाठी 17-17 वर्ष आंदोलन केलेलं आहे पण सरकारला एकदम असं अडचणीत आणण्यासाठी आम्ही आंदोलन केलं नाही. आम्ही सरकारच्या अडचणी काय आहेत हे आम्ही तर जाणत होतो. सरकारने शरद पवार असताना पहिल्यांदा नामांतराचा ठराव संमत झाला होता पण दलितांवर हल्ले झाल्यामुळं तो विषय थांबला होता. तर आम्ही लोकशाहीच्या पद्धतीनं आंदोलनं करत होतो आणि आम्हाला शेवटी यश आलंय आम्हाला. त्यामुळे आता जरांगे पाटील यांनी थांबलं पाहिजे असं आपलं मत आहे. सर हिंदी में आचरेंगे सर, जिस तरीके से आपने कहा सीट की बात कर रहे हैं, क्या कोई चर्चा चल रही है आपके साथ? हाँ तो चर्चा तो मैंने दिल्ली में एक मेरा पत्र भी मैंने माननीय अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी को हमने दे दिया है और बहुत सारे देश भर के लोगों की इच्छा है कि भाई मैंने लोकसभा लड़नी चाहिए क्योंकि मैं लोकसभा में 3 बार मैं चुनकर आया था और आरपीआई को 1 सीट मिलने से बीजेपी को और एनडीए को बहुत बड़ा फायदा है कि देश भर में दलित समाज जो मेरे साथ है वो मतलब वो चाहता है कि भाई 1 सीट हमको मिलनी चाहिए. तो शिरडी से लड़ने की मेरी इच्छा है और मेरी जो 2 साल की राज्यसभा रह गई है वो हमारे जो लोखंडी जी है उस लोखंडी जी को 2 साल की राज्यसभा दे सकते हैं, बाद में उनको राज्यसभा में ला सकते हैं. लेकिन मेरी पार्टी का विचार होना चाहिए. मुझे पार्टी को एकदम ऐसा है, मेरी पार्टी बीजेपी का, शिवसेना का और राष्ट्रवादी कांग्रेस का, महायुति का पूरा समर्थन करने वाली है. तो आरपीआई को 1 तो सीट देने के बारे में विचार होना चाहिए, ये हमारा आग्रह है. बीजेपी ने जो नारा दिया अब की बार 400 के पार, कैसे देखते हैं आप? हाँ तो बीजेपी ने नारा दिया है कि भाई अब की बार 400 पार और कांग्रेस पार्टी होने वाली है हार, तो कांग्रेस पार्टी की हार होने वाली है और इस वक्त एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें मिलने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है. लास्ट टाइम भी 350 से ज्यादा सीटें हमारे पास थी, अभी खाली 50-60 सीटें बढ़ जाएगी ऐसा हमको विश्वास है. और ये 5 साल में हमने G20 है, 370 आर्टिकल हटाने का विषय हो या महिला आरक्षण का विषय हो, ऐसे कई विषयों पर निर्णय लिए है. तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस पर 400 पार होना हमारे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है. शरद पार को जो चिन्ह दिया गया है तुतारी, वो कैसे देखते हैं आप? अभी तुतारी मिल गई तो अभी तुतारी पर उन्हें लड़ना चाहिए, लेकिन तुतारी से उनको ज्यादा फायदा होगा नहीं. तुतारी सिम्बॉल से उनको ज्यादा फायदा होगा नहीं, लेकिन वो नेता है, वो अपने अपने कैंडिडेट खड़ा करे.
लेकिन जिशान सिद्दीकी जो है उन्होंने कहा है कि जब वो नांदेड़ में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे वहां पर उन्होंने कहा कि वो राहुल गांधी से जब मिलने गए तो उनसे कहा गया कि अपना 10 किलो वजन कम करो तब जाके हम आपको राहुल गांधी से मिलाएंगे, जो कि जो एकदम करीबी है राहुल गांधी की जो व्यक्ति, उन्होंने ऐसा जिशान सिद्दीकी को कहा, तो आप कैसे देखते हैं उनका? उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, अभी वो वेट कम करो ऐसा कोई, वेट कम हो तो बढ़ाओ ऐसा बोलते हैं, वेट कम करो और फिर मिलने के लिए आओ ऐसा कुछ अगर बोला होगा तो ये अच्छी बात नहीं है। जो सिद्दीकी बोल रही है बात सही हो सकती है और उसके उस पर हम क्या बात करें। निशान सिद्दीकी ने कहा है कांग्रेस में कम्युनिज्म की भी बात कही है, कम्युनिज्म भी है कांग्रेस पार्टी में, ऐसा कहा है निशान सिद्दीकी। हाँ तो निशान सिद्दीकी ने जो बोल रहा है वह कांग्रेस पार्टी का लिए दिखावा करती है, दलित मुसलमानों को मतलब ज्यादा भड़काने की बात करती है, दलित मुसलमानों के हम ही मेहरबान है, हम ही उनके उनको न्याय दे सकते, इसी तरह बातें करते हैं, लेकिन सही में यही दलित और मुसलमान पर अन्याय करने वाले कांग्रेस के लोग है ऐसा मतलब उनका कहना है। जिस तरह गरीबी हटाओ का नारा दिया था लेकिन गरीबी हट गई नहीं, भ्रष्टाचार बढ़ गया, तो कांग्रेस पार्टी खाली बातें करती है और विकास का काम नहीं करती है। जिस तरह मोदी जी ने 10 सालों में सोच कर मतलब एक एक निर्णय लिया है और गरीबों तक हर निर्णय पहुंचाने का काम भी हुआ है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि सिद्दीकी जो बोल रहे बात सही है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से बयानबाजी किया है मोदी को लेकर, जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं कैसे देखते हैं आप? क्या क्या सवाल है? राहुल गांधी जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं मोदी जी को लेकर, वो क्या आप कैसे, जो आपने कहा है? मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी उल्टी सीधी बात करने में माहिर है, पहले तो उनको ज्यादा बात भी नहीं कर सकते थे लेकिन अभी वो ज्यादा बात करने लगे। अच्छी बात है ज्यादा बात करो लेकिन उल्टी सीधी बात ज्यादा करने से बिल्कुल फायदा नहीं है, और मोदी जी पर जितना अटैक तुम करते रहोगे उतना ज्यादा फायदा मोदी जी का होता रहेगा। तो राहुल गांधी जी को यही सलाह है कि तुम तुम्हारी पार्टी बढ़ाने का काम करो, लोकतंत्र में जनता जो चाहेगी वो हो जाएगा। अगर तुम 70 सालों तक तुम्हारे पार्टी के हाथ में सत्ता थी, तुम्हारी पार्टी सत्ता में रही, अभी मोदी जी के साथ जनता है, मोदी जी को सत्ता में बिठाने का काम जनता करती है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि अभी इस वक्त हमको कोई चिंता नहीं है। अभी भी मतलब 2024 में मोदी जी आएगी, 2029 में हमारे एनडीए आएगी, 34 में एनडीए आएगी, 39 में एनडीए आएगी, इसमें दूसरा कोई चारा नहीं है। जब तक हम ताकतवर हैं तब तक कांग्रेस को ऊपर उठने का मौका नहीं है।